ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧଲ୍ଲା ଦାବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ। ଦେଶ ସାରା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିରୋଧ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ବିରୋଧର ଶିକାର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ 370 ଧାରା ଲାଗୁ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକା ନ ଫେରିଲେ ସେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ଗର୍ବ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। जब हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व, और इसलिए आज उनको जी कहने का मैं सम्मान नहीं करना चाहता। जो तिरंगा झंडा मैं उठाऊंगी नहीं, अरे तुम नहीं उठाओगे तो लोगों ने उठा लिया। हम उठा करके या जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तुमने जो करना करो, और इसको बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, और कार वाले और इनको सीधा बाहर रवाना करो। हिंदुस्तान के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनको बाहर फेंकना होगा और यहाँ के पार्लियामेंट से इनको बर्खास्त किया जाए श्रीमान स्पीकर साहब, और इनको पाकिस्तान रवाना किया जाए और चाइना रवाना किया जाए। ତ୍ରିରଙ୍ଗା को अपमान तो करिबार थो देश को अपमान। देश विरोधी मंतव्य पई महबूबा मुफ्ती को गिरफ दाबी करा जाय छि। तबे जेउ जम्मू काश्मीर 370 धारा पुनर लागू करबा पई से परि मंतव्य देछंती, सेठारे तांकु विरोध करी विशाल विक्षोभ रैली रा आयोजन करछंती डोगरा फ्रंट सह अन्य केतेक संगठन। एबे आहुरी बढ़िबा को जाउछि मुफ्ती को अडुआ। सुप्रीम कोर्ट रो जन आईएनजीबी विनय जिंदल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी मुफ्ती को विरोध रे केस रुजु करबा पई प्रार्थना करछंती। आईपीसी रो धारा 121 151 153 ए 295 298 504 505 एवं नेशनल ऑनर एक्ट रो विभिन्न धारा रे महबूबा को गिरफ पई प्रार्थना करछंती आईएनजीबी। देश विरोधी मंतव्य पई आगो को महंगा पड़िबो एवं से एथि पई गिरफ होई पारंती बोली कहा जाउछि। जम्मू काश्मीर 370 धारा पुणि लागू करबा पई एनसी पीडीपी कांग्रेस कम्युनिस्ट दल मानक द्वारा गठित होइतिबा गुप्तार गोष्ठी निजर उद्देश्य साधन पई गोटिए परे गोटिए विवादीय मंतव्य दे चालछंती, जा सेमानकर देश विरोधी एजेंडा को पदार पकाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।